गंगा के तटवर्ती इलाकों में हो रही बारिश के कारण गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में बाढ़ की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर जल आयोग के द्वारा लगातार निगरानी बढ़ती जा रही है। जल आयोग के जूनियर इंजीनियर कन्हैया कुमार ने बताया कि फिलहाल 2 सेंटीमीटर की रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। हालांकि गंगा का जल स्तर 6 सेंटीमीटर चेतावनी बिंदु से अभी दूर है। ऐसे में फिलहाल कोई खतरे की बात नहीं है। गंगा के जलस्तर में 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वृद्धि हो रही है, जो कि अभी तक जलस्तर 53.37 मीटर पहुंच चुका है, जो कि चेतावनी बिंदु से 6 मीटर अभी कम है। इधर लगातार हो रही बारिश और गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बाढ़ नियंत्रण विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ चुका है। विभाग की तरफ से लगातार गंगा के तटीय इलाकों पर न केवल नजर रखी जा रही है, बल्कि बांधों की मरम्मत को लेकर भी कार्य किया जा रहा है। विभाग की तरफ से इन कार्यों के लिए लगभग 10 एजेंसियों को लगाया गया है, जिनके द्वारा लगभग गंगा किनारे के 10 पॉइंट पर कार्य किया गया है। दरअसल विभाग की कोशिश है कि बाढ़ आने के पहले ही वह तमाम तैयारियां पूरी कर ली जाए, जिसके कारण गंगा के तटवर्ती इलाकों के आसपास रहने वाले लोगों को बाढ़ की वजह से किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो। बाढ़ 2020 से निपटने के लिए हम लोगों ने फ्लड के पहले कटाव निरोधक कार्य कराया है 8 स्थलों पे। उसके बाद हम लोगों ने अभी तत्काल बालू भरे बोरा का भंडारण, बालू का भंडारण किया है। साथ ही भंडार में हमारे ईसी बैग, एनसी बैग और जियो बैग सफिशियंट मात्रा में है। फ्लड की किसी भी परिस्थिति को निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं। बक्सर कोइलवर तटबंध की क्या स्थिति? बक्सर कोइलवर तटबंध पूरी तरह से सुरक्षित है। इधर जल आयोग के मुताबिक फिलहाल भले ही खतरे जैसी कोई बात नहीं हो, लेकिन जिस तरीके से गंगा का जलस्तर बढ़ने का ट्रेंड है, ऐसे में अगर और बारिश होती है तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल इस वक्त गंगा का जलस्तर 53.37 पर है, जो चेतावनी लेवल से 6 मीटर दूर है। लेकिन अगर लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ता है तो न केवल गंगा के तटवर्ती इलाकों के लिए मुसीबत लेकर आएगा, बल्कि बाढ़ जैसी खतरे की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में बाढ़ नियंत्रण विभाग की तैयारी पूरी है और अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, SDF न्यूज, बक्सर।